खबर टीकमगढ़ पुलिस थाना बमोरी कला के अंतर्गत इसी गांव के निवासी रामपाल सिंह तने महेंद्र सिंह परिहार की है, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे को एक शिकायत पत्र के दौरान बताया कि उसका पुत्र रोहित सीधा साधा था और वहीं पर गांव के कुछ नामी सट्टे माफियों ने उसे जुए की लत देकर जुआ खिलवाया और उसके बेटे को 35,000 रुपये भी उधार दिए। जब रोहित 35,000 रुपये जुए में हार गया तो वही गांव के प्रमुख सट्टा जुआ माफिया सहदेव उर्फ गोपालू परिहार और उसका साथी देवेंद्र उर्फ बंटी सिंह परिहार उसके पुत्र रोहित पर दबाव बना रहे थे कि उनको 35,000 रुपये वापिस दे वरना उसको मार देंगे। तभी वह माफिया के डर भय से पैसे नहीं दे सका और परिजनों को पता चलते ही परिजनों ने अपने बेटे से पूछा कि वह उदास और परेशान क्यों रहता है, तो उसके बेटे ने सारा सच बताया कि उससे गलती हो गई। सहदेव और देवेंद्र के बहकावे में आकर उसने 35,000 रुपये लेकर जुआ खेल लिया जिससे कि वह जुए में हार चुका है और अब सट्टेबाज उससे 35,000 रुपये वापिस मांग रहे हैं और उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तब कहीं रोहित के पिता ने 35,000 रुपये इधर उधर से लेकर दिए सट्टे वालों को दिए। उसी दिन यह लेन देन का मामला समाप्त हो गया था। डीपी राजपूत की खास रिपोर्ट। रामपाल सिंह परिहार, वहाँ से आए आप लोग? थाना क्या लगता? बमोरी कला, थाना बमोरी कला। किस मामले में आए आप एसपी साहब के पास? हमारी शिकायत लेके आए, हमारी बच्चा खत्म हो गया। क्या नाम था बच्चे का? रोहित सिंह परिहार। कैसे, क्या मृत्यु हुई उसकी, कैसे मौत हुई? उसको जुआ खिलवाया गया, पैसे दिए गए और इसके बाद में उससे पैसे वसूलने के लिए प्रताड़ित किया गया, क्या हमारे पैसे तो नहीं तो हम जान से मार देंगे। प्रताड़ित किसने किया, क्या नाम? सहदेव और गोपालू जी। कौन बिरादरी के लोग? बंटी और देवेंद्र परिहार जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपने रिपोर्ट डाली थी जो घटना हुई थी? एक पहले गुमसुदी की डाली थी, इसके बाद में फिर हमने रिपोर्ट डाली और सब उनको सबूत भी दिए। इसके बाद भी एक महीना होगा, अब तक कोई FIR नहीं करी, कार्रवाई नहीं करी। तो अभी SP साहब ने क्या कहा, जो आवेदन दिया? SP साहब ने आवेदन ले लिया और आगे की कह रही है कार्रवाई करेंगे। नाम क्या है आपका? संदीप सिंह पर है। कहाँ से आए आप लोग? बमोरी कला। अच्छा सर, थाना क्या लगता है? बमोरी कला। क्या मामला है जो आपके गांव में आए SP साहब के पास? हमारे चाचा का लड़का है रोहित सिंह परिहार, वो महिला पुतला के संघर्ष स्वागत में जो हमारे विरोधी और जैसे हमारा बहुत पुराना विवाह चल रहा है, उन लोगों ने जानबूझकर पैसे दिए कई समय पहले से, कुछ काफ़ी समय से खिला रहे हैं जुआ, पैसे ले भी रहे हैं दे भी रहे हैं, ऐसा लेन देन भी चलता रहा निरंतर, और जब निरंतर पैसे का ब्याज बढ़ा उसके सिर पर तो उसने वो भी चुकाने का प्रयास किया। फिर हम लोगों को बताया कि उन लोगों ने धमकियाँ दी, उस डिप्रेशन में आके उसने अपना दिमाग नहीं संभाल पाया होगा, इस कारण से ऐसी दुर्घटना घटी। और 3 दिन रेस्क्यू करने के बाद हमारे युवक का दहा संस्कार करने का हम लोग को मिला था, उसे परिवार को सामना करना पड़ा 29-30-31 तारीख को, तो आज दिना तक न्याय नहीं मिला। पीएम हुआ था? हाँ पीएम भी हुआ था और न्याय की गुहार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे देके जुआ खिलवाया और जानबूझ के षड्यंत्र किया कि इनकी जमीन वगैरह परेशान हो जाएं और प्रताड़ित किया, किसी लोगों के पास कार्रवाई होना चाहिए और किसी उस बच्चे को न्याय मिल जाए। और एक ही लड़का था चाचा का, हमारा पूरा परिवार है।